सरफराज खान ने 5 पारियों में ठोके 350। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान ने टेस्ट डेब्यू करने के बाद 5 पारियों में 3 अर्धशतक लगाए। सूर्य कुमार यादव ने सरफराज खान की तारीफ करते हुए कहा है कि वह रनों के भूखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3रे मैच में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने लगातार 3 पारियों में अर्धशतक लगाए हैं। उनकी जगह आगामी सीजन के लिए लगभग कन्फर्म हो गई है। धर्मशाला में खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच की पहली पारी में सरफराज खान ने 56 रन की पारी खेली है। उनके इस प्रदर्शन की सूर्य कुमार यादव ने तारीफ करते हुए कहा है कि 5वें टेस्ट के दूसरे दिन के लिए 3रे सेशन में सरफराज खान आउट हो गए थे। बल्लेबाज सरफराज खान सीरीज के 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। जी हां साथियों, सरफराज खान एक उम्दा बैट्समैन है। सरफराज खान जारी टेस्ट मैच में जब बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं तो भारत के कुछ रन के अंदर ही रोहित शर्मा और सुमन गिल के विकेट गंवा देते हैं, जो कि शतक लगाकर आउट हुए थे। सरफराज खान ने देवदत्त पाटीकल के साथ 97 रनों की साझेदारी निभाई थी। सरफराज खान ने साझेदारी में 350 लगाई। सरफराज खान की तारीफ करते हुए सूर्य कुमार यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। सूर्य कुमार यादव ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है, टाइगर अभी भूखा है। यह स्टोरी सूर्य कुमार ने इंस्टाग्राम पर लगाई है। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दें कि सरफराज खान ने राजकोट में डेब्यू किया था। सरफराज खान के मध्यक्रम में अपने प्रदर्शन से प्रभावित डाला है। सरफराज खान ने अपनी शुरुआती 2 पारियों में अर्धशतक लगाए थे। रांची टेस्ट मैच में वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। उन्होंने 4थे टेस्ट मैच में 14 ही रन बनाए थे, लेकिन धर्मशाला में एक बार फिर अर्धशतक पारी खेली थी। सरफराज खान ने 60 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। दोस्तों आप सबको बता दें कि शोएब बशीर की अगुवाई में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 5वें और आखिरी क्रिकेट के दूसरे दिन आखिरी सत्र में 5 विकेट चटकाए थे, लेकिन भारत ने पहली पारी में 8 विकेट चटकाकर 480 रन बना लिए थे। भारत के पास कुल 255 रन की बढ़त हो गई थी। यहां दोस्तों आप सबको बता दें कि दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर कुलदीप यादव ने 27 और जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। इससे अधिक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।